प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना वायरस संक्रमण की चुनौतियों को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा की। गोरखपुर एनआईसी हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एडीजे जोन दावा शेरपा, मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, डीआईजी रेंज राजेश डी मोडक, जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, सीएमओ डॉक्टर एस के तिवारी, एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह, सीओ गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह, जिला सूचना अधिकारी प्रशांत श्रीवास्तव, जिला पूर्ति अधिकारी आनंद सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना को लेकर कई जनपदों ने प्रभावी ढंग से कार्य किया है, जिससे उनके जनपद में कोरोना के एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं मिले हैं। जिन जनपदों ने शुरू में लापरवाही की है तथा शासन के निर्देशों का पालन नहीं किया है, उन्हीं जनपदों में कोरोना के मरीज पाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में कोरोना पर काफी नियंत्रण रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहरी जनपदों से आए लोगों को जांच कराने के साथ ठोस निर्णय लिया जाए, जिससे कोरोना बीमारी पर लगाम लगाया जा सके। प्रदेश में जो एक महीने में और लोग टेस्टिंग हमारी 200-300 से शुरू हुई थी, अब हम इस समय ऑन एवरेज 4000 के आसपास कर पा रहे हैं। 11 जनपद ऐसे हैं जिनमें कि एक्टिव इन्फेक्शन नहीं रहा था, एक्टिव इन्फेक्शन के आ गए, तो इसमें भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 18 जनपद ऐसे सिलेक्ट किए गए हैं, 15 ऐसे हैं जहां 20 या उससे ज्यादा केसेस थे। जनपदों में आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, शामली, फिरोजाबाद, सहारनपुर, रायबरेली, बिजनौर, अमरोहा, बुलंदशहर, मस्ती, सीतापुर, औरैया और संभल, यहाँ पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और एक चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जो टीम है वो भेजी जा रही है, इसको देखने के लिए कि आपकी व्यवस्थाएं जो है और चुस्त दुरुस्त कैसे हो। दो तीन इश्यूज मैं आपके समक्ष ये रखना चाहता हूँ। एक तो जो सबसे बड़ा हमारा इन्फेक्शन का सोर्स था वो जो तबीकी जमात या आदि जमात से जुड़े हुए लोग थे, उसमें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन उनको मिला। जो आपने जगह जगह से आपने उनको फैसिलिटी क्वारंटाइन आप लेके आए थे, उनकी टेस्टिंग आपने कराया और बहुत सारे जनपदों ने बहुत प्रभावी ढंग से इस लड़ाई को आगे बढ़ाया है। आज जी का परिणाम है कि देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद प्रदेश के अंदर वर्तमान में हमारे एक्टिव केस 1374 हैं और रिकवरी भी 200 से ज्यादा है। जिन जनपदों ने शुरू से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या समय समय पर शासन के द्वारा भेजे गए निर्देशों का अनुपालन किया, वहां पर उन्हें उतनी ही सफलता भी प्राप्त हुई। जिन जनपदों ने लापरवाही बरती और अति आत्मविश्वास में रह करके वे लोग किसी गलत फहमी के शिकार थे, आज सबसे ज्यादा दुर्गति उन्हीं जनपदों की है। और यही कारण है कि आज उनके सामने स्वयं असहज स्थिति पैदा हुई है, वे स्वयं भी इसको महसूस करते होंगे। हम लोगों ने कोरोना वायरस पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए और उसका स्प्रेड न हो जो कार्य योजना बनी है, इसको और प्रभावी ढंग से हम लागू कर सकें और कहां पे लीकेजेस हैं जिसके कारण जो परिणाम आने चाहिए थे पिछले 1.5 महीनों के दौरान उस जनपदों में आखिर उसके परिणाम उस रूप में क्यों नहीं आ पाए हैं। इस दृष्टि से हम लोगों ने पहले 15 जनपदों में, 3 अन्य जनपदों में भी आज वरिष्ठ प्रशासनिक
पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की टीम उन जनपदों में भेजी है जो नोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सहयोग के रूप में कार्य करेंगे और उनको आवश्यक गाइड करेंगे, उनको आवश्यक वहां पे मार्गदर्शन और सहयोग करेंगे। इन कुछ चीजों पर हम लोगों को पहले से ही बहुत सतर्कता बरतनी चाहिए और जिस पर मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारे पास इस कोरोना वायरस के तीन, यहाँ पर स्प्रेड होने के तीन स्रोत हैं। एक जो बाहर से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर से आए हैं, चाहे वह अन्य राज्यों से आए हों या विदेशों से कहीं से भी आए हों, इन सब के बारे में जानकारी लेकर के उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की प्रक्रिया को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाना,